ड्राई स्किन होती है ना, और ठंडे का टाइम आ रहा है अब, तो वो थोड़ी वो होने लगती है, फटनी अजीब सी हो जाती है ड्राई। इतना शौक है चश्मे का। और इसी वजह से इसे ठंड लगती है, क्योंकि ये जमीन ठंडा हो जाता है और इसे सॉक्स पहनना नहीं है। देखना अभी मैंने इसे सॉक्स पहनाया है और कुछ देर के बाद देखना ये सॉक्स उतार के फेंक देगी। फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि देखिए ये सॉक्स निकाल के फेंकेगी, अभी जस्ट सॉक्स देखिए फिर से निकाल के फेंक दिए रूम में। ये मतलब मैं रूम में चादर बना रही थी, बेड सही कर रही थी मैं रूम में, और तब तक इसने अपनी सॉक्स निकाल के फेंक दी। और ये अपने खिलौने से पानी पीना है इनको। अच्छा चलो अपना छोटा बेबी से मिलवाओ फ्रेंड्स को, वो बेबी से मिलवाओ। तो नहीं नहीं ऐसे ऐसे पिलाओ, ऐसे पिला, ऐसे पिला, बहुत रो रहा है ये तो। ओ किची कर लो अभी इसको, किची कर लो, किची कर लो, प्यारी दे दो, हगी कर लो, हगी हगी कर लो, हगी कर लो, हगी दे दो। ओ चुईट, हेलो मैं नव्या का टॉय हूँ, और नव्या ने मेरे साथ देखो फ्रेंड्स क्या किया, मैं नया नया दो तीन दिन ही हुआ है मुझे आए, और नव्या ने मेरा मुहार तोड़ दिया फ्रेंड्स, और मुहार तोड़ने के बाद देखो मेरे दांत मेरे मुंह सारी चीजें उखाड़ दी नव्या ने, और बस मुझे पानी पिलाती रहती है अभी और किच्ची ले रही है। फ्रेंड्स मैं दुखी हो गया हूँ, मेरे को नव्या दीदी परेशान कर रही है फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ आप बताओ। अली बाबा इतना प्यार, इतना प्यार, स्पेक्स लगा देते हैं इसको, लगा दो इसको स्पेक्स, इसको स्पेक्स लगा दो। ओ माय गॉड नव्या दीदी अब मुझे स्पेक्स लगा रही है फ्रेंड्स।
अन्ना भैया दीदी ने मुझे भी तैयार कर दिया। कैसे कैसा लग रहा हूँ जरूर बताना। ओह माय गॉड फ्रेंड, मुझे नव्या दीदी कितना प्यारी करती है, बस कभी कभी मारती है। मैं इसलिए दुखी हो जाता हूँ, नहीं तो नव्या दीदी के साथ तो मैं हैप्पी हैप्पी ही रहता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड्स मैं लग रहा हूँ ना हीरो, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा। ऐसी चीजें ही मेरे घर में दिन भर चलती रहती है फ्रेंड्स इसके एंटरटेनमेंट के लिए। ये इसको कंटिन्यूअस पानी पिला रही है, क्यों जन्मों जन्मांतर पर प्यासा है क्या इसको इतना पानी पिलाया जा रहा है? और ये भी काफी स्टाइल में पानी पी रही है, चश्मा लगा के बैठी हुई है। इससे इतना शौक है चश्मे का, ओ माय गॉड। ओहो ओहो ओहो, ये मैं बेसन लगा रही हूँ क्योंकि जिनकी ड्राई स्किन होती है ना और ठंडे का टाइम आ रहा है अब, तो वो थोड़ी वो होने लगती है, फटनी अजीब सी हो जाती है ड्राई स्किन थोड़ी, तो मैं बेसन लगा रही हूँ। बेसन लगाने से ऑलरेडी बहुत फ़ायदा होता है फ्रेंड। मैंने इसमें लिया है बेसन, दूध, हल्दी थोड़ी सी डाला है और थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, और उसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ। मेरी ये हालत हो गई है क्योंकि मैंने ऊपर से कुछ भी नहीं डाला। मैं सोच रही हूँ नहाने के लिए जाना है तो कपड़ा चेंज करना है, तो मैं पहले इसको लगा लिया मैंने। और ये मैंने ख़राब सी ब्रश ली है जो कि आप देख सकते हो हिल रही है, और ये हम लोग फेंक रहे थे दिवाली में लेकिन फिर मैंने रख लिया तो वो आज काम आ गया। वैसे भी हम इंडियन जुगाड़ होते ही हैं किसी ना किसी, तो हम लोग जुगाड़ से मैंने ये ब्रश भी यूज कर लिया और कितने अच्छे से देखिए लगा है मेरा ये। आपके पास भी कोई खराब ब्रश हो या फिर उसके बाल निकल रहे हो तो उसे यूज कर लेना, अच्छे ब्रश का मत यूज करना। उसके बाद अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, ड्राई है तो आपकी ये स्किन को बहुत अच्छा कर देगा। अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है तो इसमें दूध की जगह दही मिक्स कर लेना, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो बचा खुचा है ये मैं हाथ वाथ में लगा लूंगी नहाते टाइम, उससे भी हाथ बहुत अच्छे क्लीन हो जाता है और साफ भी हो जाता है। और इसको जो नॉर्मल वाटर से आप यूज़ करोगे ना, थोड़ी सी रब करके यूज़ करना, ये आपका स्क्रबिंग का भी काम कर देगा और जितने भी डेड सेल्स होंगे उसे भी निकाल देगा। क्यों फ्रेंड्स, ये अभी मैं इसे कुछ दिन जब तक सूख नहीं जाता है 10 से 15 मिनट तक रखूँगी और उसके बाद मैं डायरेक्ट नहाने के लिए चली जाऊँगी। मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं, एक साथ ही सारी चीज़ें हो जाएगी। हैं आप लोग से एक नए ब्लॉग में, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।